जय गुरु। चलिए आज शरद दा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, चाहे मनुष्य जितना भी अन्याय क्यों ना करे, विपद काल में यदि वो निरुपाय होकर परमपिता को पुकारे तो क्या उस समय परमपिता की विशेष दया नहीं पा सकता है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, परमपिता की दया मनुष्य के पुकारने और नहीं पुकारने पर निर्भर नहीं करती है। वो दया नित्य और स्वतः है, किंतु मनुष्य यदि व्याकुल होकर तन्मुखी होता है तो वैसे कंसंट्रेटेड अनेस्टनेस एकाग्र आग्रह के फलस्वरूप उसकी रिसेप्टिविटी या ग्रहण क्षमता और ट्यून्ड एक्टिविटी या एकतन सक्रियता की पॉसिबिलिटी या संभाव्यता बढ़ जाती है। उसी समय उसका मूव या आचरण अनब्लंडरिंग निर्भुल होता है। यदि परित्राणा पाने जैसा स्कोप पहले से रहे तो उसके फल स्वरूप वो परित्राण पा सकता है। इसलिए साधारणतः यह देखा जाता है कि जो स्वभावतः भक्ति वो नति संपन्न होते हैं, वे विपत्ति आपत्ति में नाना तरह से सेफ्ट या बचना हो जाते हैं। उसके मूल में किंतु उनका अनएवेस्ट सरेंडर्ड मूड या अभिभूतिहीन आत्मसमर्पण का भाव, ईगो अहम या कॉम्प्लेक्स या प्रभुति का ओबेशन अभिभूति रहने पर मस्तिष्क मन हो जाता है। विपत्तियों में बचने का रास्ता कहाँ है उसे वो पकड़ नहीं पाता है। संभवतः वो इतना कैलस या बोधहीन रहता है कि पहले वो प्रभुति को विपत्ति नहीं समझता है, इसलिए सावधान नहीं हो पाता है। बाद में वो जाल में इसी प्रकार उलझ जाता है कि उसे छुटकारा पाने का कोई पथ नहीं रहता है। आलोचना प्रसंग भाग 4 6 11 42। जय गुरु।